स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा मैट्रिसेस। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा। तो इससे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं हमने पहले लेक्चर में क्या देखा, जस्ट अ स्मॉल ब्रीफली देखते हैं। तो पहले देखा था हमने कि मैट्रिसेस क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे होता है, ठीक है ना। इन जनरल इट इज रेक्टेंगुलर, स्क्वायर भी हो सकता है अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो गए, बट इन जनरल नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। फिर देखा था कि मैट्रिसेस होता है अनलाइक डिटर्मिनेंट, इट इज नॉट अ वैल्यू, ये तो एक सिंपली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। जैसे डिटर्मिनेंट तो हमारा क्या होता है, एक वैल्यू होता है, ये क्या होता है हमारा, एक सिंपली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। फिर हमने देखा था एलिमेंट्स को रेफर करने के लिए, जैसे हम डिटर्मिनेंट में यूज करते हैं ए आई जे, वैसे ही हम इधर करते हैं। आई क्या डिनोट करता है, रो नंबर, जे क्या डिनोट करता है, कॉलम नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखे थे, ठीक है। उसमें हमने सबसे पहले देखा था रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक कॉलम हो। फिर देखा था हमने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैंने बताया था नाम से इंडिकेट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मतलब नंबर ऑफ रोज कम होगी, जैसे एक और दो रो ही तीन कॉलम हुई, तो ये दिखने में हॉरिजॉन्टल जैसे दिखेगा। तो इसके लिए क्या होगा, एम इज ग्रेटर देन, एम इज लेस देन एन, क्योंकि अगर मैंने ऑर्डर एम क्रॉस एन बोला, इसका मतलब एम रोज है, एन कॉलम्स है, तो हमारा क्या होगा, एम इज लेस देन एन फॉर हॉरिजॉन्टल रोज। सिमिलरली वर्टिकल मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगी, एम इज ग्रेटर देन एन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था नल मैट्रिक्स देखा था, तो नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो, और नल मैट्रिक्स जरूरी नहीं है स्क्वायर हो, ठीक है ना, ये भी बोला था अपन ने। और नल मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, बोल्ड जीरो से, केवल जीरो नहीं बोलूंगा, बोल्ड जीरो, जस्ट लाइक वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, जैसे और फिर हमने देखा था अपना डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, एक स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के मतलब ये नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो हो सकते हैं, बट डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब तो जीरो होना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। फिर उसमें हमने देखा था मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस या मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज वगैरह के बाद, दो तीन नोट देखे थे उसके ऊपर। फिर हमने देखा था इसका भी स्पेशल केस होता है, एक स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता है, वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, बस डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा था उसका भी स्पेशल, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको आई एन से डिनोट करते हैं, एन क्या होता है, ऑर्डर। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट्स बराबर तो है, मतलब स्केलर मैट्रिक्स तो है ही है, बट वो एलिमेंट्स जो है दे आर ऑल वन, ठीक है ना। मैंने बोला था इस चीज का हमारा बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आगे चल के, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर में क्या था, बिलो द डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स अबव डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने ये बोल सकता हूँ कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है एज वेल एज अपर ट्रायंगुलर है। क्यों, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, नीचे वाले जीरो होना चाहिए, तो डायगोनल में तो नीचे वाले भी जीरो होते हैं और ऊपर वाले भी जीरो होते हैं, तो नीचे वाले जीरो होते हैं इसके कारण वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर वाले जीरो होते हैं इसके कारण अपर, सॉरी, जिसके ऊपर वाले जो जीरो होते हैं उसके कारण लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हेंस डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। तो इतना हमने देखा था, आज हम इसके आगे कंटिन्यूशन करते, तो डालो टॉपिक एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। क्या है हमारा एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। एलजेब्रा मतलब दिख रहा है, नाम से इंडिकेट हो रहा है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, वो सब चीज देखने वाले हैं हम लोग। तो पहला इसमें आता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो क्या होगा कि हमें दो मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो क्या होना पड़ेगा, सबसे फोरमोस्ट थिंग, फोरमोस्ट क्या, वही अकेले एक रिक्वायरमेंट है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है, लेट्स से मैं ए और बी को ऐड कर रहा हूं, तो ए और बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके आई विल राइट इट इन द रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। और इस अगर मान लो दो मैट्रिसेस ऐड हो रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दे आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, कंफर्मेबल वर्ड यूज होगा अगर वो एडिशन पॉसिबल है, और एडिशन पॉसिबल कब होगा, जब दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हों, क्लियर है। तो इसको पहले लिख लेते हैं फॉर्मली, टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर कंफर्मेबल ऑफ सेम ऑर्डर, ये याद रखना, सेम ऑर्डर होना चाहिए, आर कंफर्मेबल, एम ए बी एल ई, कंफर्मेबल फॉर एडिशन, टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, दैट इज A plus B will be defined if two matrices, एक काम करते हैं, लिख लेते हैं दो matrices A and B,
टू मैट्रेसेस ए एंड, तो आई विल रेफर इट क्योंकि इधर मैंने यूज कर लिया ना. फॉर एडिशन दैट इज ए प्लस बी विल बी डिफाइंड इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी. ठीक है, और क्या लिखेंगे, एंड जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, एडिशन ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी एंड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए प्लस बी. जो एक पूरा मैट्रिक्स आया ए प्लस बी, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, एंड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस ए प्लस बी विल बी एडिशन ऑफ will be addition of corresponding elements of A and B. ठीक है, इसको एक example से देखते हैं, बहुत छोटी सी चीज है, कोई ज्यादा है नहीं, बट इसको हमें determinant से confuse नहीं होना है. ठीक है ना, पहले video pause करो, इसको लिख लो, मैं बता रहा हूँ. अच्छा देखो, इसमें क्या होता है, बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं, वो डिटरमिनेंट के साथ इसको मिक्सअप कर देते हैं. डिटरमिनेंट में एडिशन अलग चीज होती है, वो भी हम इधर अभी पैरेलली डिस्कस करेंगे एक बार, सो दैट तुम लोग मिस्टेक नहीं करोगे. अभी मैं अभी के लिए जैसे मैंने बोला मैट्रिसेस ए इज लेट्स से 1 2 3 4, फिर मैंने लिखा एक मैट्रिसेस बी लिख दिया 2 1 1 1, और एक मैट्रिक्स सी लिख दिया मैंने, ये मेरा मैट्रिक्स सी हो गया 2 2 3 2 1 1. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या बोला था मैंने कि दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो. तो मैं क्या बोलूंगा, ए प्लस बी तो डिफाइन होगा, बिल्कुल डिफाइन होगा, बट क्या ए प्लस सी डिफाइन होगा, नहीं होगा. क्यों? बिकॉज ए का ऑर्डर तो 2x2 है और सी का ऑर्डर 2x3 है, हेंस ए एंड सी को वी कैन नॉट ऐड. सिमिलरली बी और सी को हम ऐड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका 2x3 है, हेंस ए प्लस बी कैन ओनली बी डिफाइन. अब मैंने क्या बोला, जब डिफाइन होगा तो उसको लिए टर्म क्या यूज होता है, वो याद रखना, कन्फॉर्मेबल. क्या बोलेंगे हम, दीज टू मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन. सिमिलरली प्रोडक्ट, अगर उनका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा जैसा कि हम आगे चल के देखेंगे, तो क्या बोलेंगे, कन्फॉर्मेबल फॉर प्रोडक्ट. तो कन्फॉर्मेबल याद रखना है, कन्फॉर्मेबल इंपॉर्टेंट वर्ड है, जेई में डायरेक्टली यूज होता है क्वेश्चन में ये वर्ड कन्फॉर्मेबल. बी ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन, मतलब ए और बी का ऑर्डर सेम है. दिस इज इनडायरेक्ट वे टू गिव अ हिंट, की मतलब वही इन्फॉर्मेशन ऑर्डर को लिखने का एक तरीका, जैसे मैंने लिखा ए और बी का ऑर्डर सेम है, इसी को मैं लैंग्वेज फॉर्म में भी क्या बोल सकता हूँ, ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन. इसका मतलब ही होगा कि ए एंड बी बोथ आर ऑफ ऑर्डर सेम. क्लियर है? तो कन्फॉर्मेबल वर्ड पे स्ट्रेस दिया मैंने थोड़ा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है. अब आते हैं, मैंने ए प्लस बी लिख लिया, ठीक है, डिफाइंड होगा. अब होगा क्या, मैंने क्या बोला, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मेरा मतलब क्या है, कि इस 1 और इस 2 को ऐड करेंगे, उन दोनों का एडिशन इधर लिखेंगे 1 प्लस 2, फिर इस 2 और इस 1 को 2 प्लस 1, इस 3 और इस 1 को 3 प्लस 1, और इस 4 और 1 को 4 प्लस 1. सो दिस विल बी व्हाट माय मैट्रिक्स इज, ए प्लस बी. सिंपली आसान है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर ऐड करना है बस. समझ में आया? अच्छा अब सुनना, अब मैंने तुमसे पूछा कि क्या हम इन दोनों डिटरमिनेंट्स को ऐड कर सकते हैं. डिटरमिनेंट में ऐसे ऐड नहीं करते थे, अब रिकॉल करो, डिटरमिनेंट में क्या होता था, अगर इधर 1 2 3 4 लिखा है, तो हमारा जो दो डिटरमिनेंट्स थे उनको अगर ऐड करते थे हम, तो किसी एक रो के थ्रू ऐड करते थे. मतलब जैसे मान लो उसमें 3 3 रो है, तो लेट्स से मैं रो 1 के थ्रू ऐड कर रहा हूँ ना, तो जो दो डिटरमिनेंट्स में ऐड कर रहा है उसमें रो 1 और रो 1 सेम डिफरेंट होता था, बाकी रो 2 और रो 3 सेम होता था. तो हम क्या बोलते थे, वी आर एडिंग विद रिस्पेक्ट टू रो 1. तो जब हम रो 1 के रिस्पेक्ट में ऐड करते थे, तो दोनों बाकी दो रो सेम होता था. बट इधर ऐसा नहीं है, इधर तो हम दोनों रो डिफरेंट है, ये और ये, ये और ये दोनों डिफरेंट रहे. R1 और R2 भी डिफरेंट है, R3 इसका, सॉरी इसका R1 और इसका R1 भी डिफरेंट है, इसका R2 और इसका R2 भी डिफरेंट है. क्लियर है? हम एडिशन नहीं कर पाएंगे. डिटरमिनेंट में एडिशन कैसे करते थे, मतलब डिटरमिनेंट में अगर मैं बोलूँ ये सिनेरियो होता तो कर पाते 1 2 3 4, और लेट्स से इधर लिख दिया मैंने 1 1 3 4. अब मैं ऐड कर लेता, अब मैं डिटरमिनेंट होता तो ऐड करता, अगर ये मैट्रिसेस नहीं होती डिटरमिनेंट होता, तब मैं क्या बोलता, वी आर एडिंग विद रिस्पेक्ट टू रो 1. और फिर रिजल्टेंट डिटरमिनेंट जो होता उसमें ये तो सेम ही होता. तो अभी मैट्रिसेस में वो क्या होगा, देखो मान लो मेरे को यही एग्जांपल है, मान लो ये मेरा ए है ये बी है, पहले मैं मैट्रिसेस की तरह ऐड कर रहा हूँ, तो मैट्रिसेस की तरह ऐड करूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 प्लस 1, चलो इधर लिख लेते हैं 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 3, तुम लिख लेना इसको 4 प्लस 4. दिस इज एज ए मैट्रिक्स. अगर मान लो मैं इनको डिटरमिनेंट की तरह ट्रीट करूं, इसको चलो इसको अगर मैं डिटरमिनेंट की तरह ट्रीट करूं दोनों को, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट डिटरमिनेंट बिकॉज मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है,
डिटरमिनेंट के लिए मुझे वर्टिकल लाइन लगानी होती, बट मैंने मान लिया एक मिनट के लिए ये वर्टिकल लाइंस है, ये दो डिटरमिनेंट है। अब उनका एडिशन कैसे होता, सिर्फ रो टू सेम है, रो वन डिफरेंट है, तो रो वन के रिस्पेक्ट में एडिशन होता, इसको भी नोट कर लेना, वन प्लस वन टू प्लस वन और इधर आएगा थ्री और इधर फोर, तो दिख रहा है डिफरेंस, ऑफकोर्स दिस इज अ डिटरमिनेंट, तो मैं वर्टिकल लाइन में ही लिखूंगा। मेक अ नोट ऑफ इट, जल्दी जल्दी बच्चे लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं इन दोनों को, अगर मैंने बोला ना ए और बी डिटरमिनेंट होते तो ऐसे लिख देते हैं एडिशन, विच इज टोटली रॉन्ग, दिस इज मैट्रिक्स एडिशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना। डिटरमिनेंट में तो क्या करते हैं, किसी एक रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में ऐड करते हैं, जिस कॉलम या रो के रिस्पेक्ट में ऐड कर रहे होते हैं बस वही चीज डिफरेंट होती है इन दोनों डिटरमिनेंट में, बाकी सारी रोज सेम होती है। जैसे कि हम इधर देख रहे हैं रो वन केवल डिफरेंट है दोनों में, तो रो वन के रिस्पेक्ट में ऐड किया, रो टू इज सेम, और रिजल्टेंट डिटरमिनेंट में भी हमारा क्या आएगा, रो टू सेम आएगा। क्लियर हुआ? बट अगेन मैट्रिसेस में हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एडिशन एडिट करना है, तो इन शॉर्ट देखा जाए तो मैट्रिसेस एडिशन ज्यादा आसान है। समझ में आया? मैट्रिसेस एडिशन ज्यादा आसान है, ठीक है। चलो तो कॉपी करो, पॉज करके मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ता हूँ आगे, ठीक है। तो काफी आसान था वैसे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा अभी लिख लेते हैं, एक टर्म होता है कम्यूटेटिव, जैसे पहले भी हम लोगों ने देखा है इसके ऊपर, वेक्टर्स में देखा था, जैसे क्या होता है a डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए, मतलब a और b को इंटरचेंज करके लिख सकता हूँ मैं, तो वही चीज इधर है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो इसको मैं क्या लिखूंगा लैंग्वेज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव एडिशन इज कम्यूटेटिव इन मैट्राइसिस। आगे चल के देखेंगे हम मल्टीप्लीकेशन, उसमें कम्यूटेटिव नहीं होता, इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, जैसे कि हम इस क्रॉस प्रोडक्ट में देखते थे, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज नॉट बी क्रॉस ए, इट इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हमारा मैट्रिसेस का एडिशन जो है वो तो कम्यूटेटिव है, आगे जाके देखेंगे हम मल्टीप्लीकेशन वो कम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए लिखवाया हूँ मैं इधर, हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, वो मल्टीप्लीकेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, क्या कर सकते हैं हम, पहले दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसको तीसरे मैट्रिक्स में ऐड कर सकते हैं, या फिर सेकेंड और थर्ड मैट्रिक्स को पहले ऐड करो उसको पहले में ऐड कर दो, तो इसको जनरली इसके लिए टर्म यूज होता है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मैट्रिसेस एसोसिएटिव फॉर एडिशन, हियर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन, क्लियर है बच्चों। और तीसरी चीज और इधर यूज होती है एडिटिव इनवर्स, लिख लो पहले एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इफ ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर देन a plus b is equal to 0, या फिर उल्टा बोल लो, if a plus b is equal to 0 then a and b are called additive inverse, मतलब इस तरीके से ऐसे बोल सकता हूँ कि कुछ जैसे मैंने बोला आएगा ऑफ कोर्स नहीं, बट टर्म हमें पता होना चाहिए, मैंने बोला a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, क्या बोला मैंने, a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस a, क्योंकि a में मैं क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, 0 मतलब हियर 0 मींस नल मैट्रिक्स, जस्ट लाइक वेक्टर, वेक्टर प्लस वेक्टर वेक्टर ही होना चाहिए, उसी प्रकार मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स मैट्रिक्स ही होना चाहिए, दिस इज नॉट 0, दिस इज 0 मैट्रिक्स, ठीक है ना, दिस इज जीरो मैट्रिक्स नॉट अ जीरो रियल नंबर, क्लियर है। तो मैंने बोला कि ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए, तो एडिटिव इनवर्स इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए, तो देखो समझ में आना ना, ए एंड बी आर एडिटिव, बी क्यों, बी मैंने इधर लिखा ना, जैसे बी जो है ए का एडिटिव इनवर्स है या फिर ए बी का एडिटिव इनवर्स है, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, तो दिख रहा है बी इज इक्वल टू माइनस ए है ना, तो माइनस ए को क्या बोलेंगे हम, ए का एडिटिव इनवर्स, मतलब इसको अगर ए में ऐड किया तो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी एक नल मैट्रिक्स आएगी, जीरो मींस नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, क्लियर है। तो एडिशन एलजेब्रा ऑफ एडिशन में मैट्रिसेस में एडिशन वाले पार्ट में इतना पार्ट याद रखना है, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मान लो कि उसके बेसिस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, दैट यू कैन वेरीफाई, आज के लेक्चर कंप्लीट होने के बाद भी तुम उसको वेरीफाई करना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, और वो इंपॉर्टेंट भी बहुत है प्लस बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन भी करता है, क्योंकि अभी हम डिटरमिनेंट पढ़ के आ रहे हैं उसी से रिलेट करते हैं और थोड़ा बच्चे लोग गड़बड़ कर देते हैं, वो चीज है क्या, तो पहले लिख लो उसको, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद अ स्केलर, दिस इज सेकंड अवर, पहला हो गया एडिशन, नाउ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन of matrix
विद अ स्केलर, विद अ स्केलर। तो लेट्स से स्केलर को मैंने के बोल दिया। तो इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेंगे। लेट्स से मेरे पास ए जो मैट्रिक्स है वो ऐसे दे रखा है 1 3 और लेट्स से 2 6 6, ये मेरा मैट्रिक्स ए दिया है। और मैंने बोला 2a क्या होगा, अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे बोल लो चाहे, मैट्रिक्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा कि जो जो 2 है ना, जैसे डिटरमिनेंट में तो क्या होता था, किसी भी एक रो या कॉलम में चला जाता था। क्या होता था डिटरमिनेंट में, किसी भी एक रो या कॉलम में चला जाता था, बट मैट्रिसेस में क्या होगा, जिस कांस्टेंट या स्केलर से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो वो हर एक रो में जाएगा। यही डिफरेंस है डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस में, ठीक है ना। क्या बोला मैंने कि जो 2 से मल्टीप्लाई किया वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा मैट्रिसेस के, या फिर ऐसे बोल लो हर एक रो में जाएगा, या फिर ऐसे बोल लो हर एक कॉलम में जाएगा। तो इधर हो जाएगा 2 6 4 12। क्लियर हुआ बच्चों? क्या बोला अब कि अगर कोई भी स्केलर है, किसी भी नंबर से अगर मैंने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, 2 इज व्हाट अ स्केलर क्वांटिटी, वो एलिमेंट मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख लो, इफ अ स्केलर इज मल्टीप्लाइड, if a scalar is multiplied with a matrix, matrix, then if a scalar, let's say इसको k नाम दे दिया, if a scalar k is multiplied with a matrix, then the matrix, then the matrix will, and then the, then each element of matrix, then each ele, in each element of matrix will get multiplied with scalar k, ठीक है ना। क्या बोला, अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो स्केलर होता है वो हमारा मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, या फिर हम इसको ऐसे बोले कि उस मैट्रिक्स को हमें हर एक रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अनलाइक डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट में क्या होता था, हम किसी भी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करते थे। समझ में आया, ये डिफरेंस है इधर, ठीक है। इसके आधार पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखने वाला हूँ इसी के बेसिस पे, जिससे रिलेटेड एक्चुअली क्वेश्चन आते हैं यही में, ठीक है ना। वो रिजल्ट क्या है उससे पहले तुम लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी करो, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो, जस्ट पॉज इट एंड कॉपी इट। तो क्या बोला मैंने, एक नोट इसी के आधार पे, एक नोट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद स्केलर। तो नोट इज, पहले नोट लिख लो उसके बाद हम समझते हैं। नोट क्या है, इफ ए इज अ स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, क्या ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन लिख लो, बट स्क्वायर बोल दिया तो पता है कि अगर केवल n n बोल रहा हूँ तो भी चलेगा, क्योंकि स्क्वायर में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। मैंने लिखा a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन डिटरमिनेंट ऑफ k इनटू a इज इक्वल टू k रेज टू पावर n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a, वेयर k इज स्केलर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, देन डिटरमिनेंट ऑफ, ये वर्टिकल लाइन मतलब क्या, डिटरमिनेंट, देन ये लिख लो फिर, ये वर्टिकल लाइन क्या, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ के टाइम्स ए, ए वेयर ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, तो बोल रहा है इट इज के रेज टू पावर एन इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहले क्या करो, वीडियो को पॉज करके एक पहला काम तो लिखो और जस्ट थिंक इट फॉर 10 सेकेंड्स, ये चलो आधा मिनट सोचो आया कैसे। बहुत आसान है, ऐसा नहीं टफ है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ, ठीक है, सुनना। जैसे कि मैंने अभी बोला था कि लेट्स से मेरा मैट्रिक्स ए ये है, सुनना देखना। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, 2x2 का ए बी सी डी, फिर मैं के की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, सपोज 2 ले, चलो 3 ले लेता हूँ। तो मैंने 3a क्या बोला था, अभी 3a क्या बोला था, जो हमारा
थ्री ए होगा, थ्री जो होगा वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बी थ्री ए थ्री बी थ्री सी थ्री डी, ठीक है। अच्छा अब और क्या निकालना है, देखो थ्री ए क्या है, दिस इटसेल्फ इज अ मैट्रिक्स, दिस इज अ मैट्रिक्स, दिस इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा इसको एक मिनट के लिए मैं बी बोल देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, बी मैट्रिक्स मेरा ये है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब मैंने क्या किया, नाउ यू सी, अब अगर मान लो मेरे को इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो मैं क्या करूं, अब चलो मैं इसका लिख लेता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ थ्री ए थ्री सी थ्री बी थ्री डी। जब हम डिटरमिनेंट, अब ये डिटरमिनेंट की तरह ट्रीट करो, क्योंकि अब डिटरमिनेंट की बारी आ गई। अब डिटरमिनेंट में जो थ्री आएगा वो एक साथ बाहर नहीं आएगा, पहले एक रो आएगा, एक रो में से आएगा, फिर दूसरे रो में से आएगा, या फिर कॉलम में से मान लो, या कॉलम वन में से आएगा, फिर कॉलम टू में से आएगा। तो व्हेन यू विल टेक थ्री कॉमन आउटसाइड फ्रॉम रो वन, सो इट विल बी, चलो एक एक स्टेप पे लिखते, दिस थ्री टाइम्स ए बी थ्री सी थ्री डी, दिस इज डिटरमिनेंट। अच्छा इधर लिख रहा हूँ मैं, दिस इज फर्दर इक्वल्स टू, अब थ्री रो टू में से कॉमन ले लिया तो जाएगा थ्री इंटू थ्री थ्री स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी डी, और ये मेरा क्या है, ए का डिटरमिनेंट, तो थ्री स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब रिलेट कर पा रहे हो, बी मेरा है क्या, बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ थ्री ए, तो स्केलर तो थ्री है, के इज थ्री, एन इज ऑर्डर ऑफ ए विच इज टू, तो थ्री स्क्वायर आ गया। तो अब रिलेट भी कर पा रहे हो, एक बार डेरिवेशन देख लिया तुम रिलेट कर पा रहे हो, ऐसा हो क्यों रहा है, एन क्यों आएगा, जब हम के को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए से तब तो वो के जो है वो हर एक रो से मल्टीप्लाई होगा, बट डिटरमिनेंट लेने पे क्या होगा, जब हम डिटरमिनेंट के बाहर वो कांस्टेंट को बाहर लेंगे ना, तो वो हर एक रो में से के आएगा, और कितने रोज होंगे, जितना उसका ऑर्डर होगा, एन ऑर्डर है तो एन बार के बाहर आएगा हर एक रो में से, तो क्या जाएगा बाहर, के रेज टू पावर एन इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इसके आधार पे भी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं आज नहीं तो कल की क्लास में, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिटरमिनेंट ऑफ के टाइम्स ए इज के रेज टू एन इनटू डिटरमिनेंट ऑफ, अभी तक मतलब ये बोल सकता हूं मैंने जो भी पढ़ाया उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, जिसके बेसिस पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ के इनटू ए इज के रेज टू पावर एन इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो अच्छे से कॉपी करो इसको, ठीक है, दिमाग में बिठाओ, उसके बाद आगे बढ़ना वीडियो में, नहीं तो वीडियो को पॉज करो, दोबारा एक बार और सुनो। चलो एक और नोट है, इसी एक और नोट लिख लेते हैं इसी के ऊपर, जैसे मैट्रिक्स पढ़ा अभी अपन ने, देखो एक एक और नोट है, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी एक मैट्रिक्स होगा, तो ये बोल रहा है नोट कि डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी जो होगा ना, इन जनरल इट इज नॉट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी। जल्दी जल्दी में हमें ऐसा नहीं करना है, बहुत से लोगों की आदत होती है, नए नए मैट्रिसेस थोड़ा डिफरेंट चीज दिखती है ना अचानक से, तो वो ऐसे मतलब सोचते हैं कि डिटरमिनेंट ले लिया दोनों साइड, ठीक है, तो डिटरमिनेंट दोनों साइड ले सकते हैं जब प्रोडक्ट में लिखा, वो आगे हम देखेंगे, बट अगर मैट्रिसेस ऐसे दिया है तो वी कैन नॉट ब्रेक इट इनटू टू डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी, देखो इन जनरल बोला मैंने कहा किसी स्पेशल केस में ऐसा हो भी सकता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं चलो ए को भी नल मैट्रिक्स ले लूँ, बी को भी मैंने चलो नल मैट्रिक्स ले लिया, या फिर चलो कोई और मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4, अभी ट्रू होगा इसके लिए ट्रू होगा, बट अगर मान लो इसके लिए ट्रू हो रहा है तो मैं जनरलाइज तो नहीं कर सकता इस चीज को कि दिस इज ऑलवेज ट्रू, किसी स्पेशल केस में ये हो सकता है, ठीक है ना। तो इन जनरल डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी, याद रखना है। बट अगर मैंने ट्रेस लिया, ट्रेस बोलू, ट्रेस पी आर, जैसे कल देखा था ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स, तो मैं लिख सकता हूँ ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, इसको तुम खुद से वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे मान लो एक एलिमेंट ले लो ए बी सी डी, ए मैट्रिक्स मैंने ये ली, बी मैट्रिक्स मैंने चलो ए बी सी डी ई एफ जी एच ली, नाउ यू कैन वेरीफाई ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस ई बी प्लस एफ सी प्लस जी डी प्लस एच, इसका ट्रेस क्या होगा, ए ई डी एच का एडिशन, तो वो एल एच एस हो गया, आर एच एस में इसका ट्रेस क्या होगा, ए प्लस डी इसका ई प्लस एच, चारों का एडिशन क्या हो जाएगा, ए प्लस डी प्लस ई प्लस एच, क्लियर है। तो बहुत छोटी सी चीज है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ठीक है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब
पॉज करो, कॉपी करो। अब हम देखते हैं क्या वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस मैंने डिटर्मिनेंट पढ़ाया था उसमें, मल्टीप्लीकेशन जब भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था मैट्राइसिस के बारे में बहुत माइन्यूट था कि इधर लिख लो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस क्या किया था उधर मैंने कि जो हमारा डिटर्मिनेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, चार तरीके से, रो रो, कॉलम कॉलम, रो कॉलम, कॉलम रो, ठीक है। बट मैट्राइसिस को केवल एक ही तरीके से ओपन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज ए एंड बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके रो इसके कॉलम, मतलब रो कॉलम। कैसे, उसको पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मली, उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो लिखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस, इधर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस, तो लिखो इफ मैट्राइस मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर m cross n and matrix A है इधर and matrix B is of order p cross q, दो matrix मान ली जिनका addition multiplication करने वाले हैं, तो उसने क्या बोला है कि एक पहला जो matrix है उसका order m cross n है और दूसरा जो matrix है उसका order p cross q है। Now लिखो then first point AB is defined, AB A into B is defined if कब, हमेशा डिफाइन नहीं होगा, उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है देखना, अगर ए बी को लिख रहा हूं मैं तो मैं क्या लिखूंगा, इफ एन इज इक्वल टू पी। अभी आते हैं हम इसको मेमोराइज कैसे रखेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है वो लिखेंगे, पहले नोट कर लो। तो ए बी इज डिफाइंड इफ एन इज इक्वल टू पी एंड द रिजल्टेंट, एंड द रिजल्टेंट रिजल्टेंट मैट्रिक्स that is AB will be of order B of order m cross q। लग रहा होगा अभी कैसे याद करेंगे ये n p q m q, अभी बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। क्या है, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है मेरी, जैसे उसने बोला m cross n, और ये जो मैट्रिक्स है मेरी सेकंड, दिस इज माय मैट्रिक्स A, चलो अंदर ही लिख लेते हैं, दिस इज माय मैट्रिक्स A एंड दिस इज माय मैट्रिक्स B, दिस इज पी क्रॉस की, पी क्रॉस की, तो इनका जो मैट्रिक्स आएगी ना दैट विल बी अ मैट्रिक्स ऑफ कोर्स। उसने क्या बोला, कंडीशन क्या है देखना, उसने बोला n इज इक्वल टू p, पर n है क्या बेसिकली, a मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स, और p क्या है, पहला सब इसके बताता है, रो नंबर, b मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज। तो a और b को मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब a के नंबर ऑफ कॉलम्स p b के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, ठीक है। तो इसको जैसे आगे चल के पता अपन बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तब इतना कन्फ्यूज नहीं होगा, हालांकि अभी के लिए मार्क कर लेते, ये दोनों बराबर होना चाहिए। देखना जो रेड से मार्क किया दैट शुड बी इक्वल फॉर ए बी टू बी डिफाइंड, मतलब ए बी को डिफाइन होने के लिए ये तो रिक्वायरमेंट है ही मिनिमम, क्या कि भाई इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। इसके नंबर ऑफ कॉलम मतलब सेकंड सफिक्स, इसके नंबर ऑफ रोज मतलब पहला सफिक्स, और इसका सेकंड सफिक्स क्या है n, इसका पहला सफिक्स क्या है p, hence n should be equals to p। और फिर मैंने क्या बोला कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, इन दोनों को कैंसिल किया तो बचे क्या, बचा क्या हमारे पास m और q बचा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस q। आई होप समझ में आया होगा कैसे मेमोराइज करना है। जैसे मान लो मैंने बोला ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की, तो क्या होना पड़ेगा, अब देखना इधर 3 क्रॉस कुछ भी होगा, लेट्स से 3 क्रॉस अल्फा, तो इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, देखो ये तो कंडीशन फुलफिल होगा, ये 3 इस 3 के बराबर है। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 अल्फा, 2 क्रॉस अल्फा, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस अल्फा। समझ में आया, जैसे मैंने लिखा 3 क्रॉस 4, तो मल्टीप्लाई होने के लिए इधर 4 आना चाहिए, अब इधर कुछ भी हो, लेट्स से बीटा, तो मैं क्या बोलूंगा ये 4 तो बराबर है, कैंसिल हो गया, बचा गया 3 क्रॉस बीटा, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी दैट विल बी ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस बीटा। आई होप समझ में आ गया, मैंने बहुत एम्फसाइज कर दिया, ठीक है। तो ए बी को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, दैट इज मैथमेटिकली क्या लिखूं, एन इज इक्वल टू पी एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस क्यू, क्लियर है। चलो तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो, आई विल कंटिन्यू।
अच्छा अब सुनना, अब जैसे ए बी को डिफाइन किया वैसे बी ए को भी कर ले, लिख लो एक बार लिखना है तो, हालांकि सेम चीज आएगा। जैसे मैंने अभी क्या बोला था, ए का ऑर्डर क्या था हमारा एम क्रॉस एन, बी का ऑर्डर क्या था पी क्रॉस क्यू। अब मैं बोल रहा हूँ फॉर बी ए टू बी डिफाइन, बी ए टू बी डिफाइन तुम लिख लेना क्या होना चाहिए, कैसे लिखूंगा, बी को लिखूंगा पी क्रॉस क्यू और ए को लिखूंगा एम क्रॉस एन, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्यू शुड बी इक्वल्स टू एम एंड जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी दैट विल बी ऑफ ऑर्डर पी क्रॉस एन। क्लियर है, समझ में आया, कुछ अलग नहीं है, वही चीज है इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, तुम लोग लिख लो। क्या लिखोगे, फॉर बी ए का ऑर्डर ये दिया है, बी का ऑर्डर ये दिया है, फॉर बी ए टू बी डिफाइंड दिस एन सॉरी बी का सेकेंड सफिक्स मतलब क्यू शुड बी इक्वल टू फर्स्ट सफिक्स ऑफ ए दैट इज एम, क्यू शुड बी इक्वल टू एम एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर पी क्रॉस एन। तुम तो हैबिट बनाओ ऐसे, क्या बनाओगे हैबिट, जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हो ना ए, तो इधर नीचे लिख लो इसका ऑर्डर क्या है, तो एन क्रॉस एम है, चलो बी का ऑर्डर क्या है P क्रॉस Q, तो तुम्हें तो क्या करना है, ये दोनों जो पास पास के नंबर है ना ये दोनों बराबर होना चाहिए पहली बात, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो उसका ऑर्डर n क्रॉस P होगा, सॉरी n क्रॉस Q होगा। ऐसे तुम मेमोराइज करो, कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है ना। मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग दिस वे, केवल मैट्रिक्स को कभी अकेले मत लिखो, उसके साथ उसका ऑर्डर लिखो, ठीक है। चलो अच्छा इसको कॉपी करो, ठीक है। अब सुनना, अब मैंने बोला कि एक फिलिंग ऑफ लाइंस की तरह मैं लिखता हूँ, मैंने बोला एक कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, इफ अ मैट्रिक्स लिख लो, चलो इफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन देन फॉर ए बी एंड बी ए both to be defined, fine, the order of b must be, खुद सोचो एक बार, अच्छा पॉइंट है, पहले वीडियो पॉज करके 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए सोचो, मैं इसको आज बताने जा रहा हूँ। क्या बोला उसने, उसने बोला कि उसने एक मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर दे दिया दैट इज m क्रॉस n, तो लिख लेते हैं उसको, दिस इज अ मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर इज एम क्रॉस एन। अब उसने बोला कि एक मैट्रिक्स है बी, उसने बोला इसका ऑर्डर क्या होगा सच दैट ए बी भी डिफाइन है और बी ए भी डिफाइन है, सोचो जस्ट थिंक इट, अच्छी चीज है, छोटी सी मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही है, बहुत छोटा सा पॉइंट। अब सुनना मैं बताने जा रहा हूँ, अगर मैंने बोला इसको m क्रॉस n है और इस इन दोनों का प्रोडक्ट डिफाइन होना चाहिए, तो डेफिनेटली इधर क्या आना चाहिए n, पक्का है, इधर कुछ नहीं हो चलेगा, बट इधर n आना चाहिए, तो n क्रॉस समथिंग, क्लियर है। इससे क्या होगा, मेरा a भी डिफाइन हो जाएगा। अब मैं आता हूँ ba पे, ba पे इधर m क्रॉस n है, तो समथिंग क्रॉस इधर क्या आना चाहिए, m, ऐसे बना लो। अब बता सकते हैं b का ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस m, hence the order of b is, b का ऑर्डर क्या होगा n क्रॉस m, समझ में आया। a का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो b के ऑर्डर को n क्रॉस m होना पड़ेगा, किसके लिए, ab और ba दोनों को डिफाइन होने के लिए। क्या ab और ba तब डिफाइन होंगे जब अगर b का ऑर्डर n क्रॉस m है, और गिवन क्या है, a का ऑर्डर इज m क्रॉस n, क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। तो इसको कर लो, ये भी अच्छा पॉइंट था, छोटा सा पॉइंट था बट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट और एक और लिख लेते हैं हम, अच्छा इसके आधार पे एक और छोटा सा पॉइंट है कि अगर मैंने बोला कि मुझे किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना, मैं इसको रब कर रहा हूँ, तुम उसको कॉपी कर लो पहले, फिर सुनना। मैंने बोला कि मुझे किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, जस्ट थिंक इट। मैंने बोला फॉर ए स्क्वायर टू बी डिफाइंड, फॉर ए स्क्वायर टू बी डिफाइंड, ए के ऊपर क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसको तुम क्या करो, इससे रिलेट करो। जैसे मैंने बोला ए बी और बी ए को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर एक का ऑर्डर अल्फा क्रॉस बीटा है तो दूसरे का बीटा क्रॉस अल्फा होना चाहिए, ठीक है। जैसे एन क्रॉस एम का एग्जांपल लिया था, तो बी का क्या आया था एम क्रॉस एन, जस्ट थिंक इट दैट वे, ठीक है।
वीडियो को पॉज करके मैं इसका बता रहा हूँ. फॉर ए स्क्वायर टू बी डिफाइंड, ए मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ए मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. खुद सोचो एक बार, ठीक है ना, मैं इसको नहीं बताने जा रहा हूँ. खुद सोचो, इससे रिलेट करो कि ए बी और बी ए उधर दोनों को डिफाइन होने के लिए, अगर ए का ऑर्डर एन क्रॉस एम था तो इसका एम क्रॉस एन होना था. अब B की जगह A चाहिए मुझे, B की जगह इधर क्या करूँ मैं, B की जगह A रख दो तो क्या होगा, ये दोनों बराबर है और ये दोनों रिजल्टेंट मैट्रिक्स है. और रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी क्या आने वाली है, स्क्वायर आने वाली है, मतलब ये ऑर्डर आने वाला है. तो क्या होगा हमारा, जो उसका ऑर्डर होगा n शुड बी इक्वल टू n. n अगर m के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है दे आर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, आई होप मुझे लग रहा है थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा तुम लोगों को. तो क्या करो, बेटर है एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करो इसको. सोचो कि मैंने क्या स्टेटमेंट दिया, फॉर ए स्क्वायर टू बी डिफाइंड ए मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, चलो अब आते हैं हम मल्टीप्लीकेशन में ही. ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि भाई ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए के नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए. अब करते कैसे मल्टीप्लीकेशन, तो वो हमने क्या देखा है, हमने डिटर्मिनेंट में देखा है, वैसे ही लिखेंगे हम बिल्कुल सेम. बस उधर हमारे पास चार ऑप्शन थे, इधर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज रो कॉलम. दैट इज रो कॉलम, तो लिख लो द एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स, ऐसे लिख दो, द एलिमेंट सी आई जे ऑफ मैट्रिक्स ए बी. ए बी इज प्रोडक्ट मैट्रिक्स. द एलिमेंट सी आई जे ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज क्या लिखेंगे, क्या करते थे हम उधर, जैसे मैंने बोला कि ये एक मैट्रिक्स है इनटू ये एक मैट्रिक्स है, रो कॉलम, और मैंने तो बोला रो कॉलम ही करेंगे, मतलब जैसे ये तीन एलिमेंट्स है फिर इन तीन एलिमेंट्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, फिर क्या करते हैं, इस रो को पकड़े रखते हैं, फिर इस रो का इसके कॉलम के साथ, फिर इसी रो का इसके कॉलम के साथ. समझ में आपको, सोचो अब तो मैं क्लियर हो रहा होगा कि मैंने क्यों बोला था, अगर मान लो इसका ऑर्डर लेट से m क्रॉस n है तो इसका n क्रॉस समथिंग होना चाहिए, मतलब ये दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए. क्यों, आपको सोचो, जब मैं इधर एक दो तीन एलिमेंट लिख रहा हूँ तो इधर ऐसे में तीन होना चाहिए, तभी तो तुम इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे. तो और ये क्या होता है हमारे, दिस इज व्हाट माय वन सेकंड थर्ड अपना हो गया, ये एक दो तीन नंबर ऑफ कॉलम, थ्री कॉलम्स है तो ये क्या होता है कॉलम नंबर, और ये क्या होता है हमारा फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो थ्री रोज. तो n शुड बी इक्वल टू इसके नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू इसके नंबर ऑफ रोज. ये तो वो हो गया कि हमने जो देखा कि इसका ऑर्डर को डिफाइन होने के लिए. और अब मैंने लिखा कैसे कि जो एलिमेंट आएगा इधर, जो एलिमेंट आएगा वो कैसे आएगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस. तो क्या लिखूंगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ corresponding element of ith row and jth column. देखो क्या बोला मैंने, तो चलो एक काम करते हैं, पहले इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, बहुत छोटा सा, उसके बाद हम उसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेते हैं. तो मैंने लिखा 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय, अब ये इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, तो इसका क्या होना पड़ेगा, 2 रोज तो होना पड़ेगा, चलो कॉलम 3 ले लेते हैं. तो 1 2 3 4 1 2 क्लियर है, जैसे कि मैंने बोला था. अभी क्या होगा हमारा, इसका ऑर्डर क्या आने वाला है, देखो पहले लिख लेते हैं एग्जांपल, उसके बाद हम थ्योरी पे आएंगे कैसे लिखा. तो ये बोला कंडीशन क्या है कि हमारी इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे, तो दीज टू शुड बी इक्वल, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, मतलब दो रो आने वाली है और एक कॉलम. क्लियर है, तो इधर मैं डैश लगा देता हूँ, 2 रोज मतलब ये दो, एक रो दो रो और तीन कॉलम ही हो गया. अब मैंने बोला इस एलिमेंट को कैसे लिखेंगे हम, दिस इज व्हाट C11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो ये होगा 1 × 1 + 2 × 4, तो क्या लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू 1 × 1 + 2 × 4 व्हिच इज 8 + 1 9, तो हेंस हियर इट विल बिकम 9. नाउ लेट्स मूव टू दिस पॉइंट देवी वाला. ये क्या है C12, दिस इज व्हाट, लिख लो इधर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. तो फर्स्ट रो सेकंड रो कॉलम के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखना इसका तो फर्स्ट रो उठा रहे हैं, इसका सेकंड कॉलम, तो ये क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट रो ऑफ ए सेकंड कॉलम ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा 1 × 2 = 2, 2 × 1 = 2, तो 2 + 2 = 4. आई होप समझ में आया होगा. चलो इसको और देख लेते हैं, दिस इज सी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
तो C13 कैसे डिफाइन होगा? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ए थर्ड कॉलम ऑफ बी. तो फर्स्ट रो क्या होगा 1 2, और इसका थर्ड कॉलम क्या होगा 3 2. तो 3 × 1 3, 2 × 2 4, तो 3 + 4 7. क्लियर हुआ? तो अब हम लिख सकते हैं सीआईजे कैसे लिखते हैं. सीआईजे को कैसे लिखा? इट इज, चलो लिख लो इधर, द एलिमेंट सीआईजे ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स. क्या लू कौन से एलिमेंट्स का सम ऑफ प्रोडक्ट करना है मुझे? पहले मैट्रिक्स का तो आयत रो, अगर सी आई जे बोल रहा हूं, और दूसरे मैट्रिक्स का jth कॉलम. तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आयत रो ऑफ ए एंड jth कॉलम ऑफ. आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना? क्लियर है? तो इसको कॉपी करो. अब हम मैथमेटिकली और लिख लेते हैं इसको, ठीक है? तो कॉपी इट, आई विल रब इट नाउ. तो हम एक बार मैथमेटिकली लिख लेते हैं एक बार. जैसे मैंने लिखा न्यूमेरिक, उसमें लेट्स से दिस इज अ मैट्रिक्स ए व्हिच इज ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एम, बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस पी. तो जो मेरा रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा ए बी, ठीक है ना, वो क्या होगा? एन क्रॉस पी होगा. एक तो ये बात हुई. अब मैं लिखूंगा कैसे? मैंने कहा सी आई जे क्या होगा, देखना ध्यान से. जैसे चलो इसको लेके लेते हैं. मैंने बोला ए मैट्रिक्स है, उसको मैं ए को ऐसे लिख रहा हूँ, A11, A12, A13 एंड सो ऑन. दिस इज A21, A22 एंड सो ऑन, ठीक है ना? और इधर आ जाएगा An1 एंड सो ऑन An. अच्छा n क्रॉस m है ना, n नंबर ऑफ रोज है, m कॉलम्स है, तो दिस इज m कॉलम, ठीक है. सिमिलरली बी को मैं क्या लिखूंगा, B11, B12 एंड सो ऑन. एम क्रॉस पी है तो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है? पी. तो ए क्या आएगा? बी वन पी. इधर भी लिख लो तुम लास्ट एलिमेंट ए वन, कितने एम है ना, ठीक है. अब क्या करें मैं, अब इसका सेकेंड रो लिखो. तो बी टू रो फर्स्ट कॉलम, बी टू टू एंड सो ऑन, बी टू पी. लास्टली क्या आएगा हमारा, कितने कॉलम है इसमें, नंबर ऑफ रोज कितनी, एम. तो इधर आएगा बी एम वन, बी एम टू एंड सो ऑन, बी एम थ्री. क्लियर है? इसको लिखना है मैथमेटिकल नोटेशन. आप देखना सी आई जे मैं कैसे लिख रहा हूँ. सी आई जे विल बी व्हाट, लेट्स से सी आई जे की जगह एक मिनट के लिए सी वन वन लिख रहा हूँ. तो क्या आएगा देखना, कैसे डिफाइन किया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आयत रो ऑफ दिस. आयत रो मतलब अब मैंने वन लिया आई की जगह, तो ये हो गया ये वाला रो, तो लिखूंगा ए वन वन और ये वाला कॉलम. तो ए वन वन इंटू बी वन वन प्लस ए वन टू इंटू बी, एक मिनट एक मिनट, या बी टू वन एंड सो ऑन, ठीक है. तो इस नोटेशन फॉर्म में भी लिख लो. तो सी आई जे के लिए लिख सकते हो तुम, एक काम करो तुम इसका जनरलाइज करके लिखो. सी आई जे के लिए सी आई जे क्या होगा, सी आई जे क्या होगा, आयत रो लेना है, याद रखना आयत रो. आयत रो मतलब क्या होगा, दिस फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो. तो आयत रो में क्या होगा, ए आई वन ए आई टू ए आई थ्री एंड सो ऑन. तो एक एक एलिमेंट में जाएंगे ए आई वन, इधर अभी बी वाला लिखेंगे, प्लस ए आई टू प्लस ए आई थ्री प्लस एंड डैट डैट डैश. अब मैं बी वाले लिख लेता हूँ. मैंने क्या बोला, जे मतलब jth कॉलम ऑफ बी मैट्रिक्स. तो लेट्स से इधर कहीं होगा jth, तो फर्स्ट कॉलम मतलब सेकंड सफिक्स ना, सेकंड. तो ये मेरा j, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, चलो मैं ये वाली रो को इधर लिख रहा हूँ साइड में. दिस विल बी बी वन जे, बी टू जे, बी थ्री जे एंड सो ऑन, बी एम जे. क्लियर है? और ये मेरा, चलो मैं इसको भी पूरा कंप्लीट कर देता हूँ. ये मेरा था ए आई थ्री अप टू ए आई एम. अब मैं इसको अलग कलर से लिख लेता हूँ. किस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा, इन एलिमेंट्स को. तो बी आई बी वन जे, दिस इज बी वन जे, बी टू जे, बी थ्री जे एंड सो ऑन, लास्टली बी
एम जी, दिस इज माई सी आई जे, इसको तुम सिग्मा फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे सिग्मा फॉर्म में? शॉर्ट नोटेशन देखना, वेरिएबल वेरी क्या है मेरा, आई कॉन्स्टेंट है, इसमें ए में जो पहला सफिक्स है वो कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल सेकेंड सफिक्स है, जो बी है उसमें वेरिएबल फर्स्ट सफिक्स है, तो बी को आर और सेकेंड सफिक्स जे है, और आर गोज फ्रॉम दिख रहा है वन से लेके एम तक, दिस विल बी सी आई जी। तो देख रहा हो कैसे कैसे हम स्टेप पे गए, इसको रटना नहीं है, जैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे समझना है, नो नीड टू मेमोराइज दिस, रटना नहीं है ऐसे याद, कैलकुलेट तो हमें करना आता ही है कैसे करते हैं वो तो, बट इसको कैसे मैंने फ्लो बताया तुमको यहाँ तक कैसे लाया, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, मज़ेदार चीज़ है। तो हम क्या करेंगे फाइनली, इसमें दिमाग में क्या रखना है हमें, कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें, तो एक ही तरीका है रो कॉलम, मतलब पहली मैट्रिक्स का रो उठाएंगे उसको इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एलिमेंट आएगा, फिर इसका रो पकड़े रहेंगे, इसका रो पकड़े रहे, फिर इस रो को इस रो का सेकंड मल्टीप्लाई किया सेकंड कॉलम से, फिर इसी रो का थर्ड से फोर्थ से एंड सो ऑन, जब एक बार सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गए, ये वाली रो सभी कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, फिर दूसरी रो उठाई। क्लियर है? चलो तो पॉज करो, इसको कॉपी करो। ठीक है, अब आते हैं हम एक और नोट पे इसके बाद, और डोंट वरी, न्यूमेरिकल सम कल लेने वाले हैं सारे, जो भी आज थ्योरी पढ़ने वाले हैं उसके न्यूमेरिकल सम कल करेंगे आज की क्लास में। माय टारगेट इज टू कंप्लीट थ्योरी पार्ट फॉर दिस मल्टीप्लिकेशन, और थोड़ा सा पॉइंट और है अभी, उसके बाद न्यूमेरिकल वाला पार्ट आई विल डिस्कस इट टुमारो। तो देखना, मैंने बोला नोट करके, जैसे कि मैंने अभी बोला था तुम लोगों को थोड़ी देर पहले भी, कि ए बी इन जनरल इज नॉट इक्वल टू बी ए, वही मैं लिखवाने जा रहा हूँ। जैसे हमारे वेक्टर प्रोडक्ट में होता है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, इसी प्रकार ए बी इन जनरल बी ए के बराबर नहीं होती। क्या लिखेंगे? इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इन जनरल बराबर नहीं होती, हो भी सकती किसी केस में, बट अगर बराबर होती है तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है कम्यूट करके, सी ओ डबल एम यू टी ई, तो देख लो इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बट इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए देन ए एंड बी आर सेड टू कम्यूट। ये टर्म भी बहुत होता है, डायरेक्टली यूज होता है एग्जाम्स में, ए और बी कम्यूट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्फॉर्मेशन है ये, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए लिखने का एक तरीका, लैंग्वेज फॉर्म में कैसे बोलेंगे, ए एंड बी कम्यूट, ए एंड बी कम्यूट मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए, दैट्स इट। तो क्या होगा आगे चल के, हम क्वेश्चन भी देखने वाले हैं सी के ऊपर, कम्यूट के ऊपर, वो दे देगा ए और बी कम्यूट कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या वाई, कुछ वेरिएबल डाल देगा, तो हमें उधर इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ए एंड बी कम्यूट मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए, दैट्स इट। समझ में आया? चलो ठीक है, उसके बाद होता है इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, ए इंटू बी प्लस सी किसके बराबर होता है, ए बी प्लस ए सी। अच्छा अब तुम इसको जल्दी जल्दी ऐसे मत लिख लेना ए बी प्लस सी ए, ठीक है ना, बिकॉज ए सी इज नॉट इक्वल टू सी ए ना इन जनरल, तो अगर ए और सी कम्यूट किया तब हम ऐसे लिख सकते हैं, बट इधर मैंने क्या किया, ऑर्डर मेंटेन किया, जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट में करते हैं, जैसे मैंने लिखा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस इज वेक्टर, तो क्या लिखते हैं, सॉरी दिस इज बी प्लस सी, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, तो ए पहले ही आया है हर जगह, तो इधर भी देखो ए मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया बी प्लस सी से, तो दोनों जगह ए पहले, ऐसा नहीं करेंगे एक को बाद में रख देंगे। इसी प्रकार उल्टा, अगर मान लो इधर से उल्टा जाएंगे तो ए अगर दोनों के एक साइड है तभी उसको कॉमन ले सकते हैं। क्लियर हुआ? जस्ट लाइक वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर में भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव देखा था, तो इधर लिख लो ब्रैकेट में क्या डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, और एसोसिएटिव में ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ऑफकोर्स ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है, करेगा कब, मतलब इसमें भी हाँ एक कंडीशन है कि कन्फर्मेबल होना चाहिए, द मैट्रिक्स शुड बी कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट, मतलब अगर डिफाइन है तो पक्का बराबर आ जाएंगे, लिख लो इफ कन्फर्मेबल, इफ कन्फर्मेबल, आई होप समझ में आया होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं हम, देखना जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे एक नॉर्मल एलजेब्रा में हम बोलते हैं ए इंटू बी अगर जीरो है तो उसका मतलब होता है या तो ए जीरो का या बी जीरो का या दोनों जीरो का, बट वो चीज मैट्रिसेस में एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने लिखा, नेक्स्ट नोट लिख लो, इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, दिस इज नल मैट्रिक्स, दिस डज नॉट इम्प्लाइज, इम्प्लाइज को क्रॉस कर दिया, डज नॉट इम्प्लाइज
इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स और बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है, उनका प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि उनमें से कोई एक नल मैट्रिक्स हो, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने लिखा 2 0 0 0 0 5 6 7, कोई तो लिखा है, जस्ट मल्टीप्लाइड। लेट्स से दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स बी, तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट, चलो देख लेते हैं एक बार कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले इसका रो उठा लिया, फर्स्ट रो, इसके कॉलम वन से करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 0 0 × 7 क्या आएगा, 0। थ्री वाला एलिमेंट ये क्या है, C12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम इसका, तो ये इससे, तो 5 × 2 10। अच्छा रुको एक मिनट, मुझे चेंज करना पड़ेगा, इधर मैंने ये एक काम करो, इसको 0 0 ले लो, चलो समझाने के लिए इसको 0 0 ले लो। अब देखना दोबारा एक बार, मैं लिखा 2 × 0 0 × 0 0 आ गया, फिर 2 × 0 0 × 6 अगेन इट विल बी 0। नाउ सी 0 × 0 0 × 0, तो ये तो बहुत बड़ा 0 हो गया, 0 0 0 6 0, तो यू कैन गेट, देख रहे हो, देख पा रहे हो जो ऊपर नोट है वो सही बोल रहा है, मतलब क्या है, देखो हमारा प्रोडक्ट लेने पे क्या है, एक नल मैट्रिक्स आ गई, दिस इज अ नल मैट्रिक्स, दिस इज नल मैट्रिक्स, बट जो हमने ए और बी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था, क्या वो नल मैट्रिक्स थी, नहीं, क्यों, नल मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, हर एक एलिमेंट 0 होना चाहिए, बट यू कैन सी इधर A11 है, दैट इज नॉट नॉन जीरो, हियर A22 इज नॉन जीरो, समझ में आया। तो दो का अगर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं है इन शॉर्ट कि उन दोनों में से कोई एक नल मैट्रिक्स हो, भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, इसको कॉपी करो। इसके बाद अगेन एक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, अगेन वो भी बहुत जगह यूज हुआ है, जैसे कि मैंने बोला था इससे पहले जो अभी तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जो पढ़ा, जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है, वो है डिटरमिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू के रेज टू पावर एन इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, और उसके बाद ये वाला पॉइंट जो मैं अभी लिखवाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना, बहुत छोटा सा ही पॉइंट है, अगेन एक्सप्लेनेशन की उधर जरूरत नहीं है, हमें याद ही रखना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू बी, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ इंडिविजुअल मैट्रिसेस, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना जो मैंने बोला है, उधर भी इंपॉर्टेंट और इधर भी ये इंपॉर्टेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, इसको मॉड के फॉर्म में भी लिख लो, एक काम करो, मॉड ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल टू मॉड ए, मॉड हियर मींस डिटरमिनेंट, नॉट एब्सोल्यूट वाला, क्लियर है, तो ये काम कब आएगा, वैसे एक्चुअली एग्जांपल कैसे बनेंगे वो तो मैं अगले क्लास में लेने वाला हूँ, बट एक हिंट दे देता हूँ, क्या करोगे, जैसे तुम मैट्रिक्स के क्वेश्चन होंगे, तुम जब सॉल्व करोगे ना उसको, तो बहुत सी जगह होगा, जैसे हम लोग को, हम एलजेब्रा करते हैं तो कभी कभी हमें लॉग लेना पड़ता है दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, या टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड, टेकिंग कॉस ऑन बोथ द साइड, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, उसी प्रकार हमें मैट्रिसेस में जरूरत पड़ेगी, दो मैट्रिसेस ऐसे लिखा होगा, मैं ऐसा लिखा होगा मैट्रिसेस सी इज इक्वल टू मैट्रिसेस ए इनटू बी, फिर हमें किन्हीं एग्जांपल्स में जरूरत पड़ सकती है डिटरमिनेंट लेने की, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ द साइड, क्या लिखेंगे, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ द साइड, तो डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ ए बी आएगा, फिर प्रॉपर इस वाली प्रॉपर्टी से इसको हम ब्रेक कर देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, इसको भी लिख लेना इसी के अंदर, ये तो मैट्रिक्स है, टेक ऐसे लिख लो, टेकिंग कहाँ जरूरत पड़ेगा, बाकी एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसा बनेगा वो हम देखेंगे, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, समझ में आया बच्चों, चलो ये हो गया अपना एक, अच्छा एक चीज और लिख लो इसमें, दोनों को इसको डिफाइन होने के लिए ऑफकोर्स ए और बी को एक तो स्क्वायर होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए क्योंकि तभी तो डिटरमिनेंट होगा, ठीक है ना, प्लस उनको ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ऑल्सो ऑफ सेम ऑर्डर, लिख लो उधर, फॉर दिस टू बी डिफाइंड ए एंड बी शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, अब कुछ सोचो सेम ऑर्डर क्यों होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का तो मैंने एग्जांपल एक्सप्लेनेशन दे दिया, डिटरमिनेंट की बात चल रही है तो ऑफकोर्स यार डिटरमिनेंट तभी डिफाइन होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अब सेम ऑर्डर होगा वो तुम सोचो, ठीक है, नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी, नेक्स्ट इज देखना, एक मैट्रिक्स है उसको अगर मैंने नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट नल मैट्रिक्स, बहुत आसान है, इसको नल मैट्रिक्स को तो दिमाग में ऐसे सोचो, एक जीरो लिखा है 1 to 1 ऐसे है, जैसे मैंने लिखा एक नंबर इंटू जीरो क्या होता है, जीरो, तो उसी प्रकार इसको याद रखो, हाँ बट
जरूरी नहीं कि ये हमेशा डिफाइन हो। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि नल मैट्रिक्स को भी तो मुझे ऐसा ऑर्डर लेना पड़ेगा कि जैसे मान लो ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन, तो जो मेरा नल मैट्रिक्स है ना इसका ऑर्डर एन क्रॉस समथिंग होना चाहिए, तब पक्का रिजल्टेंट जीरो आएगा। बट अगर मान लो इधर एन ही नहीं हुआ तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसलिए अगर मान लो मेरे को केवल ये बोला जाए ए इंटू नल मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स, केवल इतना बोल के छोड़ दिया जाए तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगर ऐसा बोला जाए ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड ए एंड नल मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल, ए एंड नल मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल, देन इट इज ट्रू स्टेटमेंट। क्यों कन्फर्मेबल है, इसका मतलब क्या है कि ए इंटू जीरो डिफाइन है और जीरो ए इंटू जीरो डिफाइन है, इसका मतलब पक्का इधर एन होगा, इधर एन होगा तो ठीक है उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे पक्का नल मैट्रिक्स आएगा। तो ए इंटू नल मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स इफ, लिखो प्रॉपर, ए एंड नल मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल, इफ ए एंड नल मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल, ठीक है। उसी प्रकार इसी का एक और सेम है इसी कैटेगरी का, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी ए ओनली। अब देखो जीरो को, नल मैट्रिक्स को मैंने कैसे ट्रीट किया, याद रखने के लिए जीरो की तरह, वैसे ही आई को कैसे ट्रीट करोगे, वन नंबर वन की तरह, तो किसी नंबर को अगर मैं वन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वही नंबर आता है। उसी प्रकार मैट्रिसेस में, अगर मैट्रिसेस को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा यू विल गेट ए ओनली। बट हियर ऑल्सो द सेम थिंग, जो मैंने कन्फर्मेबल वाली बात इधर बोली कि जैसे ए का ऑर्डर मान लो एम क्रॉस एन लिखा, तो जो आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, एक तो पहली बात आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी स्क्वायर होगी, तो इधर एन आना चाहिए, इधर एन आना चाहिए, अगर ये एम क्रॉस एन है तो इधर एन आना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लीकेशन होगा। हाँ अगर मल्टीप्लीकेशन हो गया तब पक्का ए ही जनरेट होने वाला है। तो क्या लिखूंगा, ए इंटू आई एन इज इक्वल टू ए, केवल इतना लिखा है तो इट इज फॉल्स, बट ए इंटू आई एन इज इक्वल टू ए और दे रखा है ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्फर्मेबल है, मतलब ए इंटू आई इज डिफाइंड, देन पक्की बात है जो रिजल्टेंट आएगा वो मैट्रिक्स ए ही आने वाला है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट और देखते हैं इनवर्स के ऊपर, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, देखना क्या है वो पॉइंट, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ेंगे हम एक प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, उसमें यूज होगा, तो उसमें थोड़ा सा यूज होता है इनवर्स का, और इनवर्स जैसे हम आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट प्लस इनवर्स, ठीक है ना, आखिरी के सेकंड या थर्ड लास्ट टॉपिक होगा हमारा, दो एक दिन बाद आएगा, दो तीन दिन बाद, तो उसमें इनवर्स हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी इतना बता रहा हूँ जितना हमें काम का है, ठीक है ना। जैसे ए, जैसे क्या होता है कि जैसे मैंने बोला टू है, इसका इनवर्स क्या होता है वन बाई टू, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है मेरे को टू वन, सॉरी इनवर्स नाम से इंडिकेट हो रहा है ना, टू का इनवर्स इज हाफ, और उनको मल्टीप्लाई करने पे मेरे को रिजल्टेंट वन आना चाहिए। तो इसी का विजावेज मैट्रिसेस में क्या होगा, अगर मेरी मैट्रिक्स होगी ए तो उसका इनवर्स को हम डिनोट करते हैं ए इनवर्स से, दिस इज नॉट वन बाय टाइप की कोई चीज नहीं होती, दिस इज ए इनवर्स, दैट इज नोटेशन, दिस इज नॉट पावर माइनस वन, दिस इज अ नोटेशन। अब मैंने बोला इसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जैसे इधर वन है तो इसकी जगह क्या आना चाहिए, जैसे कि इससे पहले वाले में मैंने बोला था वन को किसकी तरह ट्रीट करेंगे हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए इंटू ए इनवर्स इज आई, पहली चीज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा अब टू इंटू हाफ वन होता है, ठीक है, थ्री इंटू वन बाय थ्री इज वन, मतलब थ्री का इनवर्स इज वन बाय थ्री, फोर का इनवर्स इज वन बाय फोर, क्या मैं अगर मैं बोलूँ जीरो का इनवर्स वन बाय जीरो हो सकता है क्या, तो नहीं, क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर में आ गया ना, जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा। उसी प्रकार इधर है, ए का इनवर्स डिफाइंड कब नहीं होगा, व्हेन इट इज सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो क्या लिखूंगा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, दैट इज A is singular, then A inverse does not exist. Clear हुआ बच्चों? कैसे relate किया आपने वो important है, ठीक है ना, समझाने के लिए किया गया मैंने 2 into 1 by 2, तो 1 by 2 is called inverse of 2. Similarly here A inverse is what? A का inverse. और इन दोनों का product 1 होता है, तो इधर product क्या है? Identity matrix. फिर दूसरा important point क्या बताया इसमें inverse में as of now? कि अगर जैसे जीरो का इनवर्स वन बाय जीरो तो नहीं बोलेंगे, उसी प्रकार अगर डिटर्मिनेंट का किसी मैट्रिक्स से उसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तब हम उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो क्या लिखा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो, और हमने पढ़ा था इसको हम क्या बोल सकते हैं लैंग्वेज फॉर्म में, ए सिंगुलर, तो इफ ए इज सिंगुलर देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं हम जिस चीज का यूज ये इधर होगा अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ ए इनवर्स का, ठीक है, तो वो है ये, उससे पहले क्या करो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो तुम लोग, देखना वो ये है, ऐसे लिख लो प्री मल्टीप्लीकेशन, लो
प्री मल्टीप्लीकेशन पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कैंसिलेशन भी बोल सकते हैं इसको, प्री मल्टीप्लीकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, या फिर प्री मल्टीप्लीकेशन पोस्ट, सॉरी प्री कैंसिलेशन और पोस्ट कैंसिलेशन। इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं पहले। देखना, मैंने लिखा इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी, अगर ए इंटू बी, अगेन ए बी सी आर मैट्राइसिस और कन्फर्मेबल है, मतलब ए बी डिफाइन है, ए इंटू सी डिफाइन है। मैंने बोला कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे मैथमेटिक्स की जैसा हम आगे रियल नंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं फंक्शन में, कि ए से ए कैंसिल किया दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी, दिस इज रॉन्ग। इन जनरल ये हो कब सकता है उसके लिए हम देखेंगे अभी प्री कैंसिलेशन लॉ या प्री मल्टीप्लीकेशन लॉ, ऐसे लिख लो प्री मल्टीप्लीकेशन या कैंसिलेशन, ठीक है, प्री मल्टीप्लीकेशन या कैंसिलेशन। इन जनरल बी और सी बराबर नहीं होंगे, तुम खुद से एग्जांपल भी ले सकते हो, ऐसा ऐसे एग्जांपल ले लो, तुम देखोगे बी और सी बराबर नहीं, तब भी ए बी और ए सी बराबर आएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल ए को नल मैट्रिक्स ले लो, फ्रीक्वेंसी ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी होगा, अफकोर्स कन्फर्मेबल बना देना तुम, बी और सी का ऑर्डर इस तरीके से लेना, बी और सी मैट्रिक्स ले लो एक, तो उसको क्या करो तुम ए नल मैट्रिक्स ले लो, देन यू विल सी दोनों जगह नल आएगा, मतलब ये दोनों बराबर आएंगे, बट जरूरी नहीं बी और सी बराबर हो। बेस्ट तरीका है एक्सप्लेन करने का मैथमेटिकली एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब सुनना, अब मैं ये बताऊंगा कि ये बराबर होंगे कब, उसके लिए क्या किया हमने, क्या किया इन दोनों इक्वेशन में ए इनवर्स से हमने क्या किया प्री मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लीकेशन, क्या किया प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, प्री मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो अब देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा तो a इनवर्स इंटू a इंटू b इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू a इंटू c। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अभी जो हम पढ़ते आए, क्या a इनवर्स इंटू a और a इनवर्स इंटू a क्या होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो दिस इज i इंटू b और ये कितना है i इंटू c, और i इंटू b ये भी देखा था हमने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू b क्या होता है, b मैट्रिक्स, दिस इज b इज इक्वल टू c, तो आ गया b इज इक्वल टू c। अब तुम लोग बोलोगे सर अभी तो आपने लिखा था कि ये दोनों बराबर नहीं होते, अभी आपने प्रूफ कर दिया b इज इक्वल टू c, बट व्हाइल प्रूफिंग जस्ट लुक, हमने कुछ माना है, अज्यूम किया है, लिखा नहीं है मैंने बट माना है, क्या जस्ट थिंक इट फॉर 10 सेकंड्स, जब मैंने मल्टीप्लाई किया a इनवर्स से दोनों साइड, तो आई एम अज्यूमिंग कि a इनवर्स इज डिफाइंड, कोई चीज डिफाइंड है तभी तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, और अगर डिफाइंड है इसका मतलब मैं क्या है वो a इनवर्स कब डिफाइंड होता है, जब उसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, तो अल्टीमेटली मैं क्या लिखूंगा, देखना इधर देखना, ये तो हो गया रॉन्ग, सही स्टेटमेंट क्या है, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू c इफ a इज नॉन सिंगुलर, देखना इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आया, ए बी इज इक्वल टू ए सी इन जनरल बराबर नहीं होता है, ठीक है ना, जैसे हमने वेक्टर में भी देखा था, ठीक है ना, वेक्टर में इसको इधर लेके आते हैं फिर वो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है वगैरह वगैरह, परपेंडिकुलर, वही चीज, वही टाइप की चीज, मतलब हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते बी इज इक्वल टू सी, कुछ और भी हो सकता है। तो अब सुनना, बी इज इक्वल टू सी होगा कब, उसके लिए हमने इधर प्रूफ किया, बट वाइल प्रूफिंग हमने इस चीज का फैक्ट यूज किया, क्या ए इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि अगर एक सिंगुलर हो जाता तो उसका ए इनवर्स तो डिफाइन ही नहीं होता ना, फिर हम ए इनवर्स से तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाते, क्लियर है बच्चों, तो b इज इक्वल टू सी इफ ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। इसी का सेम कैटेगरी में देखना पोस्ट वाला, पोस्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, a को बाद में रख रहा हूँ, a को बाद में रख रहा हूँ, तो मैंने लिखा a b इज इक्वल टू, सॉरी b a इज इक्वल टू c a, दिस डज नॉट इम्प्लाइज b इज इक्वल टू c, ये रॉन्ग है, डज नॉट इम्प्लाइज दिस तो सही है, मतलब दिस इम्प्लाइज दिस जो है वो स्टेटमेंट गलत है, ऐसे लिख लो, ठीक है ना, b इज इक्वल टू c इज गलत है, कब होगा व्हेन a इज नॉन सिंगुलर, अगेन क्या करें हम, नाउ वी विल पोस्ट मल्टीप्लाई, सॉरी इसको पोस्ट, पोस्ट मतलब बाद, प्री मतलब पहले, अब हम बाद में क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि a आखिरी में दिया है दोनों जगह, तो पोस्ट मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई विथ a इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा b a a इनवर्स इज इक्वल टू c a a इनवर्स, और a इनटू इनवर्स इज i, तो b i इज इक्वल टू c i, और ये पढ़े थे b इज इक्वल टू c, समझ में आया, तो क्या लिखूं फाइनली, b a इज इक्वल टू c a इंप्लाइज b इज इक्वल टू c इफ a इज नॉन सिंगुलर, वही सेम स्टेटमेंट,
ये वाला तुम इधर लिख लेना, यही स्टेटमेंट तुम्हारा इधर आ जाएगा, ठीक है ना। हमने इधर क्या किया, पोस्ट किया, इधर प्री किया, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब क्या करो, पॉज करो। अब मैं क्या करता हूँ, एक साइड तो ए को पहले लेता हूँ, दूसरी साइड ए को बाद में लेता हूँ, वो चीज और देख लेते हैं, उसके बाद वील एंड अप विद दिस लेक्चर, ठीक है। चलो तुम लोग इस पार्ट को कॉपी करो, चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखना मैंने क्या बोला, अभी तक मैंने क्या लिया था, दो चीज ली थी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, एक बी ए इज इक्वल टू सी ए। अब मैं तीसरा ले रहा हूँ, देखना। अब मैंने लिखा इफ ए बी इज इक्वल टू सी ए, और फिर मैंने बोला दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी, और गिवन है ए इज नॉन सिंगुलर। क्या ये स्टेटमेंट गलत है, सही है या गलत है, जो भी है, मतलब गलत है या सही है, तुम सोचो। मैंने बोला ए बी अगर सी ए के बराबर है तो क्या बी ओ सी बराबर है, और इन्होंने दे दिया कि ए इज नॉन सिंगुलर, मतलब ए इनवर्स से तो मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर इज नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम करके देख लो, प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो, तुम्हें बी इज इक्वल टू सी नहीं आएगा, आएगा बट एक कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन के साथ आएगा। सो लेट्स सी दिस, देखना क्या किया मैंने। चलो प्री मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, प्री मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो इधर आया ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी इंटू ए, तो ए इनवर्स ए इंटू आई, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आई इंटू बी इज बी, तो फाइनली बी यू आर गेटिंग बी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी ए। तो ये कुछ और आ गया, मुझे तो चाहिए था b इज इक्वल टू सी। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, एक मिनट के लिए अगर मैंने तुम्हें एक चीज बोला जो कि इसका आंसर ही हो गया, अगर a और c मैट्रिक्स अगर कम्यूट कर रहे हैं, अब दोनों कम्यूट मतलब क्या था, आज ही पढ़ाया था, कम्यूट करते हैं मतलब a और b कम्यूट करते हैं, तो मतलब ab इज इक्वल टू b होता है। अब मैं बोल रहा हूँ a एंड c कम्यूट, इफ a एंड c कम्यूट, a और c अगर कम्यूट करेंगे तो क्या होगा, c a को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी, ए तो ए इनवर्स लिखा है, इधर लिखा है ए और इधर सी। अब ए इनवर्स इनटू ए क्या हो जाएगा, आई आई इनटू सी इज सी, तो वी आर गेटिंग बी इज इक्वल टू सी। तो इधर दो कंडीशन है, ए बी इज इक्वल टू सी ए इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी इफ ए इज नॉन सिंगुलर प्लस ए एंड सी शुड कम्यूट। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो दोबारा सुनना अगर जो भी डाउट है, और अगर फिर भी तुम्हारा कोई डाउट क्लियर नहीं होता है सुनने के दोबारा रिपीट करने के बाद, तो फील फ्री टू आस्क मी। बट अभी ऐसा कोई मुझे नहीं लगता बहुत हाई फाई चीज़ पढ़ी है हमने, बहुत नॉर्मल चीज़ें पढ़ी हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज़ आज के लेक्चर में सबसे ज्यादा क्या था हमारा, एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू के रेस टू पावर एन इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, मतलब एक दो मैट्रिसेस के, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेंट लो, या फिर दोनों के डिटर्मिनेंट को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। और ये तो मतलब ये समझ लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, बहुत डाउट होता है बच्चों को इसमें, ठीक है ना। बट अभी मैंने तीनों चीज़ें केस ले ली है, मतलब एक में मैंने दोनों को, एक को आगे ले लिया, एक में दोनों को पीछे ले लिया, और एक में एक को आगे लिया एक को पीछे लिया। तो यू कैन सी पहले दो केसेस में तो केवल ए नॉन सिंगुलर होना काफ़ी था, लेकिन तीसरे केस में नॉन सिंगुलर के साथ साथ ए और सी को कम्यूट भी करना पड़ेगा, तब जाके बी और सी बराबर होंगे, ठीक है। तो आई होप एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर। Thank you so much for watching.